वेलकम, मैं साक्षी। स्वागत है आपका टुडेज में, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन इस दौर के सफल अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं। अजय ने अलग अलग तरह की फिल्मों में काम करके अक्सर अपने फैंस को तोहफा दिया है। अजय को गंभीर किरदार करने के लिए जाना जाता है, साथ ही अजय 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। ऐसे में चलिए एक नज़र डालते हैं उनके फिल्मी सफर पर और उनके लव अफेयर पर, जिन्होंने खूब चर्चे बटोरे। वहीं अजय देवगन ने अपने फैंस को अपने इंटेंस रोमांस से भी काफ़ी इम्प्रेस किया है, चाहे वो फिल्म हम दिल दे चुके सनम हो या ओंकारा। अजय देवगन ने बिना किस किए भी रोमांस को अलग मायने दिए हैं, लेकिन साथ उन्होंने कई हॉट सीन्स भी दिए हैं। अजय देवगन और ऐश्वर्या राय का हम दिल दे चुके सनम की एक सीन की बात करें तो, जब वो ट्रेन में होते हैं और उनके पास टिकट नहीं होता, बिना किसी किसिंग सीन की ही वो बेहतरीन रोमांटिक सीन है। वहीं फिल्म रेन कोट में अजय देवगन और ऐश्वर्या राय बच्चन के इंटेंस रोमांस को भी सब ने सराहा था। ओमकारा में अजय देवगन और करीना कपूर का रोमांटिक और इंटीमेट सीन था। इसमें ना तो किस था ना बोल अंदाज, लेकिन अजय देवगन और करीना कपूर दोनों ही साथ में बहुत अच्छे लगे और यह रोमांटिक सीन भी लोगों को पसंद आया था। सत्याग्रह में भी अजय देवगन और करीना कपूर का रोमांस लोगों को काफ़ी पसंद आया था। अजय देवगन और करीना कपूर साथ में कई फिल्में कर चुके हैं। फिल्म को देखकर शायद आपको पुराने जमानों की फिल्मों में दिखाए जाने वाले रोमांटिक सीन याद आ जाएंगे। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में कंगना रनावत और अजय देवगन का आंखों ही आंखों वाला रोमांस, दोनों का ये रोमांस देखने लायक था। अजय देवगन और कंगना पहली बार फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में साथ में नजर आए थे और इसके बाद दोनों ने कई सारी फिल्मों में साथ में काम किया। खबर थी कि अजय के कहने पर उन्हें वो फिल्म मिली थी और दोनों के अफेयर की खबरों ने बाजार गर्म कर दिया था। बता दें कि अजय देवगन की फिल्म शिवाय ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, उससे भी कई ज़्यादा चर्चा में है अजय देवगन की किस थी। फिल्म शिवाय के गाने में अजय देवगन काफ़ी हॉट सीन देते दिखाई दिए थे। यह काफ़ी रोमांटिक गाना था जो अजय देवगन और एरिका पर फिल्माया गया था। इस फिल्म के साथ अजय ने साबित कर दिया था कि उन्होंने 25 सालों में कोई भी नो किस पॉलिसी नहीं बनाई है। अगर उनकी आने वाली फिल्म में भी किस सीन की ज़रूरत होगी तो अजय देवगन हामी ज़रूर भरेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।